कोविड-19 का खतरा पूरी दुनिया पर मंडरा रहा है। सभी लोग कोरोना के कहर से काफी परेशान हैं। शुरुआती दिनों में ये खबरें सामने आती थी, ये बताया जाता था कि कोरोना से वो लोग ज्यादा प्रभावित हैं जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक है। लेकिन आज के आंकड़े काफी चौंकाने वाले हैं। आप लगातार खबरों में देखते होंगे कि 6 महीने का बच्चा, 4 साल, 2 साल का बच्चा, 19 साल का लड़का, 16 साल की लड़की कोरोना से पीड़ित हो रहे हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं कि अब कोरोना के संक्रमण के लिए उम्र का कोई मायना नहीं रह गया है। लेकिन इन चीजों की कमी के कारण आपको कोरोना वायरस हो सकता है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं कि कोरोना का खतरा किन लोगों को ज्यादा हो सकता है। कोरोना से उन लोगों को ज्यादा खतरा है जिन्हें विटामिन डी की कमी है। ये बात तो हम पहले ही जानते हैं कि जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यून सिस्टम कमजोर है, उन्हें कोरोना का खतरा है। लेकिन आज एक बात और सामने आ रही है जहां पर ये पता चला है कि विटामिन डी की कमी वाले लोगों को कोरोना का खतरा ज्यादा हो सकता है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ऐसे अधिकतर लोगों की मौत भी हो सकती है। ये हैरान करने वाला खुलासा 20 सबसे अधिक प्रभावित यूरोपीय देशों में विटामिन डी के औसत स्तर को संक्रमित मरीजों की दर और उनकी मृत्यु दर की तुलना करके, यानी कि डेथ रेट को तुलना करके किया गया है। इसके खुलासे के बाद वैज्ञानिक इस वायरस और विटामिन डी के बीच संबंध को ढूंढने में जुट गए हैं। त्वचा कैंसर रोग विशेषज्ञों का कहना है, इस वायरस की चपेट में आने वाले व्यक्तियों में अगर विटामिन डी का स्तर कम होता है तो उसे खतरा ज्यादा अधिक है। विटामिन डी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को संतुलित रखने में अहम भूमिका निभाता है। क्वीन एलिजाबेथ हॉस्पिटल फाउंडेशन ट्रस्ट और यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंगिला के वैज्ञानिकों के अनुसार संक्रमण से बचाने के लिए विटामिन डी की डोज देने पर भी विचार करना चाहिए। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि विटामिन डी से संक्रमित व्यक्ति के ठीक होने की भी संभावना बढ़ सकती है। ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ डबलिन में एक अध्ययन से पता चला है कि विटामिन डी की डोज से एक व्यक्ति में संक्रमण की संभावना 50% यानी कि 50% कम हो गई। अध्ययन के अनुसार इटली में 70 साल से अधिक उम्र की महिलाओं में विटामिन डी का स्तर 30 एनएमओएल जो औसत से 26 एनएमओएल कम था। इटली में बड़े पैमाने पर मौतें हुई हैं। यही हाल स्विट्जरलैंड का भी है जहां विटामिन डी का स्तर 26, स्पेन में 28 और इटली में औसतन हर व्यक्ति में ये 45 एनएमओएल है जो सामान्य से काफी कम है। ये सभी देश कोरोना से बुरी तरह प्रभावित है। भारत भी लगातार कोरोना की चपेट में आ रहा है। हमें भी ये जानने की जरूरत है कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कितनी मजबूत है, हमारे अंदर विटामिन डी की कमी है या नहीं। आपके अंदर विटामिन डी की कमी है या नहीं इस बात से पता लगाया जा सकता है अगर आपको इन्फेक्शन जल्दी होता है, यानी कि कुछ भी खाने पीने से या कहीं आने जाने से आपको सर्दी खांसी जैसी समस्याएं जल्द हो जाती है। हड्डियों, जोड़ और मांसपेशियों में अक्सर दर्द होता है, बाल झड़ते हैं या फिर आपको थकान बहुत जल्दी होती है। अगर ऐसी समस्याएं आपको है तो कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। सुबह के समय 5 से 10 मिनट तक धूप में गुजारें। ऐसा करने से कुछ हद तक विटामिन डी की पूर्ति हो सकती है। इस दौरान सामाजिक दूरी यानी कि सोशल डिस्टेंस बनाए रखें। विटामिन डी युक्त खाद्य पदार्थों जैसे मछली, अंडे का पीला भाग, मशरूम, विटामिन डी युक्त फल, दूध आदि का सेवन करें जिससे आपके शरीर में विटामिन डी की आपूर्ति हो पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव सिटीज़।